एक बार एक युवा नौजवान था जो अपने लक्ष्यों की तलाश में था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा उसकी राह में रुकावट आती रहती थी। एक दिन उसे एक बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसे अपनी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत थी और ये पीड़ा उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन उस युवा ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। वह समझता था कि ये परीक्षण है जो उसकी क्षमताओं को निर्धारित करेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस पीड़े से निपट जाएगा। युवा नौजवान ने पीड़े के सामने हार नहीं मानी और इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और संयम से भरपूर रहा। वह नहीं थका और नहीं हार माना। उसने नए तरीकों की कोशिश की, अपनी सीमाओं को छोड़ा और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह उदाहरण साबित करता है कि असफलता का सामना करना और निराश होना अपने सपनों को छोड़ देने से बेहतर होता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच करनी चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। उस युवा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी और उसने अपनी जीत के लिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक संकल्प लिया। वह अपनी दृढ़ता और समर्पण के साथ खुद को उस पीड़े से निपटने के लिए तैयार करता गया। वह लगातार मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। उसने न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि उसने भी दूसरों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें